हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश। स्वागत है आपका लर्निंग फैक्ट पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया हमेशा से ही अपनी डाइवर्सिटी और कल्चर के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। विश्व की बहुत सी प्राचीन कलाओं का जन्म भारत में हुआ, फिर बाद में यह धीरे धीरे करते पूरी दुनिया में फैलता चला गया, फिर चाहे वह भारतीय लोग हो, भारतीय नृत्य हो या भारतीय संगीत। और हम भी इस धरती के रिच कल्चर और सोसाइटी का हमेशा से हिस्सा बनकर रह रहे हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि इंडिया कई अंधविश्वास और गलत मान्यताओं का प्रैक्टिस करता आ रहा है। कुछ बुरे लोगों ने अपनी मान्यताओं की जड़ यहाँ पर इस तरीके से जमा ली है कि जिसे उखाड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका सबसे अधिक खामियाजा औरतों और बच्चों को भुगतना पड़ता है। यह एक नॉन फैक्ट है कि विमेन और चाइल्ड पर होने वाले क्राइम की संख्या सबसे अधिक है। इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनके पेन और प्रॉब्लम को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। औरतों और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम में सबसे ज़्यादा नंबर प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का है। इसी तरह से पुराने समय में एक ऐसा ही रिचुअल हुआ करता था जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता है। इस वीडियो में हम देवदासी प्रथा के बारे में बात करेंगे। देवदासी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भगवान की दासी। लड़कियों के इन देवदासी रूप को काफ़ी सम्मान दिया जाता था और सोसाइटी में इन्हें काफ़ी हाई स्टेटस प्राप्त था। एक बार जब कोई लड़की देवदासी बन जाती थी तब ना ही वह किसी और पुरुष के साथ शादी कर सकती थी और ना ही पहले की तरह नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकती थी। हालांकि वह सिंगल या मैरिड मैन के साथ समय बिता सकती थी, लेकिन यह भी केवल काफ़ी थोड़े टाइम के लिए होता था। इस देवदासी को अपनी आजीविका के लिए दूसरों पुरुषों पर निर्भर रहना सख्त मना था। इनमें से कई देवदासियाँ ऐसे भी होती थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिना किसी लाइफ पार्टनर के मंदिर के लिए डेडिकेट कर दी। इंडिया में देवदासी के कंटिन्यू होने के मुख्यतः तीन रीज़न थे, पॉवर्टी, अंधविश्वास व लोअर कास्ट। सबसे पहला रीज़न है अंधविश्वास। कई लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटी को मंदिर में ये सोचकर समर्पित कर देते थे कि ऐसा करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। कई लड़कियों के माँ बाप लड़के की इच्छा में भी लड़कियों को मंदिर में समर्पित कर देते थे। दूसरा कारण है पॉवर्टी। गरीबी भी देवदासी बनने का प्रमुख कारण होता था। कई लड़कियाँ अपना घर चलाने के लिए देवदासी बन जाया करती थी ताकि मंदिरों में नाच गाकर जो भी पैसे वह कमाए उन पैसों से वह अपना घर का खर्चा उठा सके। इसका तीसरा कारण है लोअर कास्ट। देवदासी बनने वाली अधिकतर लड़कियां दलित समाज से होती थी। जिस समय देवदासी प्रथा प्रचलन में आई थी उस समय जातिवाद व छुआछूत की समस्या अपने पीक पर थी, तो इसी छुआछूत व भेदभाव की भावना से बचने के लिए दलित समाज के लोग अपनी बच्चियों को मंदिर में दान कर दिया करते थे ताकि देवदासी बनने के बाद वे लोग समाज की मुख्य धारा में आएँ और उनका भी सम्मान हो। देवदासी बनने के बाद सादे अट्टम नाम का रिचुअल हुआ करता था जिसमें इन्हें डांस के साथ साथ 64 अन्य प्रकार की कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग देने वाले टीचर को नट्टू वनार या कोथिलियार कहा जाता था। इन टीचर्स का यही काम होता था कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी देवदासी बनने वाली लड़कियों को यह सभी आर्ट फॉर्म सिखाए। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद इनका पहला शो होता था जिसे अरंगेत्रम कहा जाता था। इसके बाद इन्हें थलाईकोल का टाइटल प्रदान किया जाता था। इन देवदासियों का काम मंदिर में होने वाले रिचुअल्स और फेस्टिवल में डांस करना होता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया इन देवदासी प्रथा ने अपने मूल स्वरूप को खो दिया और यह प्रथा कुप्रथा बनकर रह गई। यूँ तो पहले इन देवदासियों का काम होता था मूर्तियों का श्रृंगार करना और उनको खुश करने के लिए मंदिर में नाचना गाना व भजन कीर्तन करना, लेकिन आगे चलकर मंदिर के पुजारियों ने उनका फिजिकल टॉर्चर करना शुरू कर दिया। यदि कोई देवदासी ऐसा करने से मना करती थी तो वह पुजारी यह कहकर डाल देते थे कि ऐसा करने से तुम्हारे और ईश्वर के बीच कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आगे चलकर राजा महाराजा भी अपने दरबार में देवदासी रखने लगे। मुगल काल में देवदासियां तो सार्वजनिक संपत्ति बनकर रह गई थी। कई देवदासियां तो प्रेग्नेंट भी हो जाया करती थी, लेकिन उनके बच्चे को नाम देने के लिए कोई भी पुरुष आगे नहीं आता था। इसके बाद उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उस देवदासी पर आ जाती थी। कोई भी काम न आने की वजह से या शिक्षित न होने की वजह से इन देवदासियों को मजबूरन प्रोस्टिट्यूशन के सर्कल में घुसना पड़ता था। कर्नाटक के 10 और आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में देवदासी प्रथा आज भी देखने को मिल जाती है। देवदासी प्रथा की शुरुआत की बात की जाए तो देवदासी प्रथा के धार्मिक अवधारणा का विकास 700 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार देवदासी शब्द मिला। इसी तरह राजतरंगिणी, कुटुनिमत्तम और कथा सरित सागर जैसे साहित्यिक रचनाओं में देवदासी शब्द का प्रयोग हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में देवदासियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में देवदासी, तमिलनाडु में देवरतियाल, केरला में तेवादिची, कर्नाटक में वास्वी वैश्या, महाराष्ट्र में मुरली व उड़ीसा में महारी। 7वीं शताब्दी में आए यात्री हमेनसांग ने लिखा कि उसने अपनी यात्रा के दौरान मुल्तान के सूर्य मंदिर में देवदासियों का नृत्य देखा था। इसी तरह अलबरूनी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि इन मंदिरों में देवदासियां बाहर के व्यक्तियों से शारीरिक संबंधों के बदले कुछ न कुछ रकम लेती। अरब यात्री अबूजद अल हसन ने तो यहाँ तक लिखा है कि देवदासियां अपना शरीर बेचकर जो कुछ कमाती थी वह मंदिरों की व्यवस्था और रखरखाव के लिए पुजारियों द्वारा खर्च कर लिया जाता था व इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता था। उनका सबसे बड़ा महत्व यही था कि वे अपना शरीर सौंप कर अपने देवों के मंदिरों को समृद्धशाली बनाती थी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मिले शिलापट उनके इन कार्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। देवदासी प्रथा के बदनाम होने के मुख्यतः रीजन अंग्रेज थे। चूंकि पहले इन देवदासियों को मंदिरों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था, समाज के उच्च वर्ग के लोग भी इनका भरण पोषण किया करते थे। लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन आने के बाद इन्हें जो भी संरक्षण प्राप्त था अंग्रेजों ने उसे समाप्त कर दिया। इस वजह से इन देवदासियों की हालत बद से बदतर हो गई। मजबूरन ये देवदासी अपना जीवन यापन करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में फंस गई। इसके अलावा कुछ देवदासियां तो मंदिरों में भीख भी मांगने लगी। इस प्रथा को रोकने के लिए कई अधिनियम बनाए गए, जिनमें से प्रमुख है मद्रास देवदासी रोकथाम अधिनियम 1947, कर्नाटक देवदासी समर्पण का निषेध अधिनियम 1982, आंध्र प्रदेश देवदासी निषेध अधिनियम 1988। लेकिन इतने सारे एक्ट बनने के बावजूद इन देवदासियों की दशा में कोई भी सुधार नहीं आया। ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2013 में भारत के सभी राज्यों को मिलाकर लगभग 4.5 लाख से अधिक देवदासियाँ थीं। जस्टिस रघुनाथ राव की लीडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि अकेले आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में 80,000 से अधिक देवदासियां हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सोशली इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड लड़कियां ही इस कुप्रथा का शिकार बनती है, जिसके बाद इन्हें प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में धकेल दिया जाता है। टिस ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर ने भी बताया कि इस प्रथा को परिवार व उनके समुदाय से ही प्रथागत मंजूरी मिलती आई है, इस वजह से इसका विरोध कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इतने बड़े स्केल पर इस कुप्रथा की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाए जाने के बावजूद पॉक्सो एक्ट 2012 और जुविनल जस्टिस एक्ट 2015 में इस प्रथा के लिए कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है, और ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल 2018 में इस प्रथा का कोई जिक्र किया गया है। इसके अलावा रिसर्च में यह भी पाया गया है कि भारत के राज्य भी सोसाइटी के इन वीकर सेक्शन के इनकम सोर्सेज को बढ़ाने में असफल रहे हैं, जिस वजह से यह कुप्रथा अब भी आसानी से चल रही है। देवदासी प्रथा को निम्न 3 तरीकों से रोका जा सकता है, एजुकेशन, अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट लॉ। पहला है एजुकेशन। देवदासी बनने वाली लड़कियाँ अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी होती है। जितनी ज़्यादा ये लड़कियाँ एजुकेटेड होगी उतना ही वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो पाएगी। उन्हें यह बात समझ में आएगी कि उन्हें के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। साथ ही एजुकेटेड होने की वजह से इन लड़कियों के भविष्य के लिए अच्छे करियर ऑप्शन खोल पाएंगे। दूसरा है अवेयरनेस। ज़्यादातर यह देखा गया है कि यह लड़कियाँ रिमोट एरिया से होती है, जहाँ पर सरकार की सीधी पहुँच नहीं होती है। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने होंगे जिससे लोकल लेवल पर गांव गांव जाकर इन लड़कियों को जागरूक किया जाए, इन्हें अच्छे बुरे की पहचान बताई जाए। साथ ही इन्हें कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, जिससे यह घर पर ही रहकर या अपने गांव पर ही रहकर अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा है स्ट्रिक्ट लॉ। यह प्रथा अब तक इसलिए चली आ रही है क्योंकि इसके लिए कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया गया है। सरकार को अपने कानूनों में कुछ ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे इस प्रथा से जुड़े लोगों को कड़ी सी कड़ी सज़ा मिल सके, ताकि कोई और व्यक्ति ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि हमने ज़्यादातर आज तक देवदासी प्रथा के बारे में नेगेटिव बातें ही सुनी हैं, लेकिन यह पूरे तरीके से सच नहीं है। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता है किसी भी देवदासी का शोषण नहीं हुआ होगा। आपकी देवदासी प्रथा के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।